हेलो नमस्कार, जय जोहर संगवारी हो, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है मेरे आज के इस व्लॉग में। और आज का व्लॉग है दोस्तों ट्रैवलिंग व्लॉग। मैं फिर से निकल पड़ा हूं अपनी BMW लेकर के। आज मैं जा रहा हूं कोरबा। सबसे पहले मैं जाऊंगा बिलासपुर, बिलासपुर से फिर जाऊंगा कोरबा, वहां से फिर मेरी प्लानिंग है अंबिकापुर जाने के लिए। ये 3 दिनों का मेरा बिजनेस टूर है, जो कि मैं, आप देख रहे हैं पीछे कोई नहीं है, तो ये बिजनेस टूर भी अकेले ट्रेवल कर रहा हूँ। उसी रास्ते से जा रहा हूँ जिस रास्ते से लास्ट टाइम मैं गुजरा था और गाड़ी खराब हुई थी। इस बार वही BMW है, गाड़ी बन चुकी है और मैं निकल पड़ा हूँ अपने डेस्टिनेशन के लिए। तो दोस्तों आज की जर्नी में हम एक टास्क लेकर के चलते हैं, BMW मेरे साथ में या मेरे हाथ में हाईएस्ट एवरेज कितना दे सकती है। नॉर्मली ड्राइव करता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि 8 किलोमीटर के आसपास की एवरेज निकालती है सिटी में, और जब बाहर मैं हाईवे पर जाता हूं तो अप्रॉक्स 10 किलोमीटर के आसपास ही एवरेज देती है। इस गाड़ी में ये 3 प्रकार के मोड दिए हुए हैं, तो गाड़ी को जब मैं रेगुलर ड्राइव करता हूँ ये कम्फर्ट मोड पर रहता है हमेशा, और इस पे गाड़ी का पावर पिकअप, जो फ्यूल का कंजप्शन है, वो नॉर्मल होता है। लेकिन जब जैसे ही हम इसको स्पोर्ट्स मोड पर डालते हैं, इसकी पावर पिकअप सब कुछ जो है बहुत तेजी से बढ़ जाता है, बट इसमें एवरेज बहुत कम, यानी मेरे ख्याल से अगर मैं उस पर ड्राइव करूँ तो 6 से 7 किलोमीटर का एवरेज ये मुझे देगा। और उसके बाद फिर आता है दोस्तों, ये है इको प्रो मोड। इको प्रो मोड में फ्यूल कंजक्शन बहुत कम रहता है और गाड़ी सबसे ज़्यादा अपनी एवरेज जो है देती है, एयर प्रेशर जो है प्रॉपरली चेक हो जाए। तो मैं कह रहा था कि आज हम ये ट्राई करते हैं कि ये कितना एवरेज देती है, और रायपुर टू बिलासपुर हाईवे पे चलाऊंगा जो कि काफी स्मूथ है, तो मुझे नहीं लगता कि ब्रेकिंग्स वगैरह ज्यादा रहेंगी, एवरेज काफी अच्छी देनी चाहिए। मैं इस गाड़ी को 80-90 के आसपास ही ड्राइव करने की कोशिश करूंगा। रश दिख रहा है, वो बता रहा है कि मेरी गाड़ी 8.7 किलोमीटर के आसपास की एवरेज दे रही है। इको मोड पर चलाएंगे, कोशिश करेंगे कि ये एवरेज इतना मैक्सिमम जा पाता है, ये हम आज चेक करते हैं। फ्यूल टैंक मैंने कम्प्लीटली पैक करा लिया है, 798 का रेंज दिखा रहा है, बट इतना ये जाता नहीं है। एवरेज टेस्ट के बारे में मेरे दिमाग में ये क्यों आया, ये मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। अभी हाल ही में आप लोगों ने सुना होगा नेक्सॉन ईवी जो दिल्ली में क्लेम करती थी 312 किलोमीटर का रेंज, तो 3 लोगों ने कम्प्लेंट किया कि ये गाड़ी 150 के आसपास ही गाड़ी का एवरेज आ रहा है। मैं ईवी के बारे में इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं नेक्स्ट का ईवी ही परचेस करूंगा, तो उसके बारे में मैं रिसर्च करते रहता हूँ। तो जनरली एवरेज का जो कंसर्न होता है वो आपकी ड्राइविंग पैटर्न पे डिपेंड करता है। जैसे इसी गाड़ी पर दूसरे लोग हो सकता है काफी ज्यादा एवरेज निकालते होंगे, मुझे उतना एवरेज नहीं मिलता है क्योंकि मेरी ड्राइविंग पैटर्न थोड़ी डिफरेंट हो जाती है इस गाड़ी के साथ। मैं थोड़ा स्पोर्ट्स कार है तो उसके हिसाब से मैं ड्राइव करता हूँ। जनरली जैसे कंपनी, कोई भी कंपनी क्लेम करती है, इवन मेरे ख्याल से इस कार के लिए BMW शायद 16 या 17 का एवरेज क्लेम करती है, बट वो कभी हमको मिलता नहीं। कोई भी कंपनी जब बोलती है कि मेरी गाड़ी 20 का एवरेज देगी, तो जनरली वो 20 ऑन रोड पर नहीं होता, वो 14 के आसपास होता है। ARAI सर्टिफिकेशन होता है, वो कई सारे मापदंडों के साथ में टेस्ट होता है, लेकिन वो एक स्टैंडर्ड होता है, यानी मैक्सिमम कितना एवरेज निकल सकता है। एवरेज का जो कंसर्न है वो पर्टिकुलर आपके ड्राइविंग स्टाइल पर डिपेंड करता है। बहुत ज्यादा आप तेजी से पिकअप लेते हैं, ब्रेकिंग करते हैं, तो गाड़ी कभी भी आपको अच्छी एवरेज नहीं देगी। तो जहां तक बात रही हो नेक्सॉन ईवी की, तो वो रेंज का डिफरेंस उसमें ज्यादा इसलिए लगता है, फुल टैंक में कैलकुलेट करें। जैसे अभी मेरी गाड़ी लगभग 800 किलोमीटर का रेंज दिखा रही है, बट 800 किलोमीटर फुल टैंक होने के बाद देगी तो नहीं। नेक्सॉन में इसलिए लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है ईवी के साथ में कि वो 312 का क्लेम करती है, लोगों को 180 के आसपास वो एवरेज मिलता है। तो पर किलोवाट के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको नजर नहीं आएगा, वही 60 से 80% का आपको एवरेज देता हुआ दिखेगा। हम ये टेस्ट कर रहे हैं, बिलासपुर जा रहा हूँ, अकेले हूँ, देखते हैं कि ये गाड़ी क्या एवरेज हमको निकाल करके देती है। बस यही होगा अगर आप 80 का स्पीड मेंटेन करते हैं। हाईवे पर कोई 80 पे 60 पे ड्राइव नहीं करता है, तो छोटी छोटी गाड़ियां भी आगे निकल जाएंगी। कोशिश करूंगा कि 80 पे बना रहूं, बट मूड का पता नहीं, अगर लगा कि गाड़ी स्पीड अप करनी चाहिए तो डेफिनेटली मैं थोड़ा सा स्पीड अप करूंगा। पेशेंस का टेस्ट है देखते हैं कहाँ तक ये पेशेंस रहता है, क्योंकि इतनी अच्छी गाड़ी हाथ में लेकर के आप 80 की स्पीड पे तो नहीं चलाना चाहेंगे। और आज मौसम बहुत अच्छा है दोस्तों, बाहर का नजारा आपको दिखाता हूँ।
ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। सबसे पहले तो इसमें दिखा रहा है स्टार्ट टाइम, यानी गाड़ी का इंजन मेरा कितना बजे स्टार्ट हुआ है। 9:57 को मैंने गाड़ी का इंजन घर पर स्टार्ट किया है। मेरा ड्यूरेशन अभी इंजन को स्टार्ट किए 27 मिनट हो चुके हैं, तो ये टाइम भी ये गाड़ी बताती है। फिर डिस्टेंस बता रहा है मैं कितना डिस्टेंस तय कर चुका हूँ, अभी 10 किलोमीटर ही आया हूँ। और उसके बाद फिर ये कंजम्पशन देखिए अचानक बढ़ा है, ये 14.7 दिखा रहे, तो ये बहुत ज्यादा चेंज होते रहता है। और मैं इसी के आधार पर ही मैं आपको कैलकुलेट करके बताऊंगा। मैंने कोई एवरेज टेस्ट करने का प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं किया है, मैं एक इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में जो एवरेज बताएगा वही एवरेज आपको बताऊंगा। और 24.7 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब ये होता है घंटे में मैं जर्नी को तय करूंगा। तो हम कभी भी जब गाड़ी ड्राइव करते हैं हमको लगता है कि हम अगर 100 की स्पीड में जा रहे हैं तो हम एक घंटे में 100 किलोमीटर तय कर लेंगे। जनरली ऐसा होता नहीं है क्योंकि हम बहुत जगह गाड़ी धीरे करते हैं, ब्रेकर्स आते हैं, तो हम अलग अलग तरीके से गाड़ी को चलाते हैं। तो गाड़ी की जो एवरेज स्पीड निकलती है वो एवरेज स्पीड निकलती है सारे कैलकुलेशंस को करके, गाड़ी आपकी एवरेज स्पीड भी बताती है। और एक बहुत अच्छा फीचर आपको बता दूं, जब इको मोड पर आप ड्राइव करते हैं तो ये गाड़ी ये भी बताती है कि नॉर्मल मोड पे ड्राइव करने से इको मोड पे शिफ्ट करने की वजह से आपके जो गाड़ी का जो बेनिफिट हो रहा है कितने किलोमीटर का आपको बेनिफिट हुआ है। तो इतना कैलकुलेटिव है ये गाड़ी कि आपको बकायदा एक एक चीज का, एक एक किलोमीटर का, एक एक मिनट का कैलकुलेशन ऑटोमेटिक होते हुए आप देखते हैं। आपको कुछ भी दिमाग दौड़ाने या कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। अब जितने नए जो गाड़ियां अब आने लगी हैं जो कि 20 लाख 25 लाख के रेंज में आती हैं, उनमें ये चीजें अब देती हैं कंपनियां। बीएमडब्ल्यू के लिए ये शुरू से रहा है, इसलिए बीएमडब्ल्यू मर्सिडीज ऑडी प्रीमियम सेगमेंट की कारों की कीमत इतनी ज्यादा होती है क्योंकि जितने भी हम देखते हैं ना, सुनते हैं ABS, EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल होल्ड, ये सब प्रीमियम सेगमेंट की कार का इजाद किया हुआ है, लेकिन कभी भी उन्होंने इसको प्रमोट नहीं किया। होता ही है, नेचुरल है कि हाँ आप 50 लाख की कार आप ले रहे हैं तो उसमें ये सारे फीचर्स होंगे, R&D होता है उस पर, रिसर्च होते हैं, डेवलपमेंट होता है, तो उसकी कीमत धीरे धीरे कम होती जाती है। तो कंपनियां अपने नीचे के सेगमेंट की गाड़ियों पे भी वो चीज प्रोवाइड करती है। आज मैं बहुत सुनता हूं आजकल की जो भी आपके 12 लाख 15 लाख 20 लाख की कार है उसमें बोला जाता है कि हमारे कार में ABS है, हमारे कार में EBD है, ट्रैक्शन कंट्रोल है, हिल होल्ड है, हिल असिस्ट है। तो ये सारी चीजें जो है, ये फीचर्स ये BMW में कॉमन है। 6 से 8 एयर बैग कॉमन होते हैं इन कारों में। टायर्स के बारे में मैंने डिस्कस किया था, फ्लैट रन टायर होते हैं, कभी फटते नहीं है। कनेक्टेड कार, तो ये तो BMW के शुरू से कनेक्टेड कार का फीचर रहा है। तो दोस्तों फिलहाल मैं ये 80 का स्पीड मेंटेन करके रखा हुआ हूँ। मैं 80 की स्पीड पे चल रहा हूँ तो लोग मुझसे आगे निकलते जा रहे हैं, तो मन में आता है अरे यार तुम आगे चले गए। तो ये कंपटीशन की जो फीलिंग आती है ना, वो करना हो तो रेस्ट ट्रैक पे जाइए, हाईवेज पर, रोड्स पर ये कंपटीशन कभी नहीं करना चाहिए। आप स्पीड उतना ही रखें जितना आपको लगता है कि गाड़ी आपके कंट्रोल में है। ट्रैफिक रूल्स ऑलवेज ऑलवेज फॉलो करिए और उनके साथ कभी भी मजाक मत करिए। दोस्तों अभी आप देख रहे हैं कि मेरी गाड़ी जो है ये सेकेंड लेन पर मैं ड्राइव कर रहा हूँ। पहला वाला लेन होता है वो सबसे हाईएस्ट स्पीड वालों के लिए होता है, सेकेंड लेन जो होता है वो अगर आप गाड़ी थोड़ा स्लो चला रहे हैं तो सेकेंड लेन पे चलाइए। और थर्ड लेन जनरली बहुत जगह 3 लेन होते हैं, बहुत जगह नहीं होते हैं, तो वो बाइकर्स के लिए होता है। लेन कभी भी आप जंप मत करिए, यानी एक लेन से दूसरे लेन में जाना है आप राइट साइड के ग्लास पर देखिए, आप बकायदा इंडिकेटर दीजिए, उसके बाद फिर आप राइट में जाइए। बहुत सारे छोटे छोटे रूल्स होते हैं कारों में, अपर डिपर का रूल होता है, कभी भी अपर का इस्तेमाल मत करिए, ऑलवेज ड्राइव योर कार इन डिपर। बहुत सारे एक्सीडेंट इसी वजह से हो जाते हैं, हमने कुछ भी नजर नहीं आता है। तो मैं काफी इत्मीनान के साथ मैं कार चला रहा हूँ और जो भी कारें हैं उनसे आगे निकल रही हैं, और मैं एवरेज टेस्ट कर रहा हूँ इसलिए ये पेशेंस रखा हुआ हूँ। बहुत अच्छी बन गई है सड़क। मेरी
गाड़ी में एक और फीचर है ये इको प्रो मोड में जो गाड़ी है, तो सबसे पहला होता है कि इको प्रो लिमिट, ये लिमिट मैंने जैसे सेट कर दिया है 80 किलोमीटर पर आवर। इको प्रो पोटेंशियल दिखा रहा है, ये 100% दिखा रहा है। इसी को अगर मैं 120 कर देता हूँ कि 120 में भी मेरे गाड़ी इको मोड पर चलते रहे तो चलेगी, एवरेज बढ़ाने का जो पोटेंशियल है वो कम हो जाएगा। अब बात करते हैं कोस्टिंग की। अब इसमें गाड़ी में कोस्टिंग क्या होती है, जैसे मेरी गाड़ी को मैंने एक्सेलरेट किया हुआ है, ये 80 का स्पीड पर है, और मैं एक्सेलरेशन अगर ड्रॉप कर देता गाड़ी फिर भी कंटिन्यू आगे बढ़ रही है, स्पीड जो है धीरे 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 कम हो रही है, यानी ये कोस्ट कर रही है गाड़ी। शायद उस फंक्शन में ऐसा होता होगा कि व्हील को फ्री कर देता होगा, किसी भी प्रकार का ग्रिप नहीं रखता होगा, जिसकी वजह से वो गाड़ी जो है आपकी कोस्ट करती रहती है। यहाँ पर तो कोई टोल नहीं ले रहे हैं, लेकिन जो इसके आगे जो टोल पड़ता है वो चालू है। नितिन गडकरी जी कहते हैं कि अगर आपको सड़कें अच्छी चाहिए तो टोल तो देना पड़ेगा। आज के अखबार में दिया हुआ है कि उनका कहना है कि हम आने वाले कुछ सालों में टोल हटा देंगे। वो ऐसे फीचर्स देंगे गाड़ी में, GPS से रिलेटेड रहेगा वो, कि अगर उस रोड पे आप ट्रेवल करते हैं तो ऑटोमेटिक आपके वो अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा। स्कूल्स, शायद कुछ जगहों के स्कूल्स अब खुलने शुरू हुए हैं, बट कोविड वापस बढ़ रहा है। 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी। तो अभी चूंकि मैं कार पे अकेले हूँ तो मैंने मास्क नहीं लगाया है, बट मेरे पास में ये मेडिकल मास्क है, आगे मैं जहाँ मीटिंग के लिए जा रहा हूँ वहाँ डेफिनेटली इस चीज को इस्तेमाल करूंगा। एक चीज जो मैं इस कार का एक और फीचर आपको बताता हूँ, ये लिमिट का बटन। मुझे 80 से ऊपर गाड़ी ड्राइव नहीं करनी है तो मैंने ये लिमिट सेट कर दिया है 80 के पास में। देखिए आपको ग्रीन कलर का एक लाइट नजर आ रहा है, तो वो लाइट जो है वो वहां तक सेट है। अब मैं एक्सेलरेशन कितना भी तेज दे दूं, चाहे एक्सेलेरेटर को कितने भी जोर से दबाऊं, मेरी गाड़ी 80 से ऊपर जाएगी ही नहीं। एक्सेलरेशन जो है वो सेट हो गया है 80 तक। बहुत जगह हाईवेज पर जो है आपकी लिमिट सेट होता है कि इस हाईवे पर आप 100 से ऊपर नहीं चला सकते, 80 से ऊपर नहीं चला सकते, तो वहां पर आप ये सबसे अच्छी बात है कि लिमिट आप सेट कर दीजिए, तो आप गलती से भी जो स्पीड लिमिट का जो रूल है उसको नहीं तोड़ते हैं, उसको क्रॉस नहीं करते हैं। इसमें एक फीचर बता देता हूँ, ये स्टेयरिंग पर आपका ये मोड दिया हुआ है, FM और मोबाइल से अगर कनेक्टेड है तो उसको हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा, इस बटन से हम वॉल्यूम अप एंड डाउन कर सकते हैं। ये चैनल चेंज करने का होता है, जितने भी चैनल्स हैं इसको स्क्रॉल करके हम चेंज कर सकते हैं। ब्लूटूथ से अगर मोबाइल कनेक्टेड है तो मैं डायरेक्ट फोन यहाँ से उठा सकता हूँ, और ये माइक्रोफोन है वो दिया हुआ है, ये इसका वॉइस कमांड है। 56 मिनट्स हो गए हैं, 41 किलोमीटर का डिस्टेंस हमने तय किया, और ये देखिए 20.2 का एवरेज दिखा रहा है, जो कि मुझे पता है पॉसिबल नहीं है, उतना तो देता ही नहीं है। इसी स्पीड से मैं चलता रहूं तो 1 घंटे में लगभग 46 किलोमीटर की दूरी ही कवर करूंगा, यानी बिलासपुर जाने में मुझे लगभग 2.5 घंटे लग जाएंगे। अब मैंने सारा कुछ सेट कर दिया है, लिमिट जो है 80 का सेट कर दिया है, इको मोड में चल रहा हूँ। अब ऐसा कुछ हो सकता है कि मुझे मान लो जाए अचानक किसी वजह से पिकअप की जरूरत पड़ जाए, तो क्या मैं सबसे पहले लिमिट को बंद करूंगा, इको से स्पोर्ट्स में आऊंगा, उसके बाद फिर मैं क्या टेक ओवर करूंगा, वो करने का जरूरत नहीं है। ये देखिए ये नॉर्मल 80 पे चल रहा है, एक्सेलरेशन मेरा ये फुट जो है ये दबा हुआ है, और मैंने अचानक, अभी सामने देखिए कुछ नहीं है, तो मैं ये अचानक मैंने ये प्रेस किया, ये देखिए इंस्टेंट पिकअप। और यहां पर दिखा दिया है किलोमीटर आर में लेफ्ट साइड का साइन दिखा दिया है, यानी वो लिमिट से आगे चले गए हैं। लिमिट का बटन ब्लिंक कर रहा है, यानी मैंने वो लिमिट से मैं गाड़ी को आगे लेकर के चला आया हूं। लेकिन मुझे अगर इंस्टेंट पिकअप चाहिए था तो वो इंस्टेंट पिकअप जो है इसी सारे सेटिंग के साथ में मुझे मिल गया, और जैसे ये 80 पे आया देखिए वापस सारे सेटिंग्स वापस आ गए। अब मैं धीरे से एक्सेलेरेटर को दबा रहा हूँ, अब ये देखिए ये 80 पे सेट हो गया, ये उससे ज्यादा गाड़ी आगे नहीं बढ़ रहा है। ये देखिए ये बंदे ने गलती करी, इसको ओवरटेक करना था, मैं सेकंड लेन पे चल रहा हूँ, ये रॉन्ग साइड से ओवरटेक कर रहे हैं। ऐसे ही लोग खुद तो मरते हैं दूसरों को भी मारते हैं। हो सकता है मैं लेफ्ट ना देख रहा हूँ, क्योंकि लेफ्ट से तो आप ओवरटेक कर नहीं सकते, बाय रूल आपको कभी भी गाड़ी ओवरटेक करनी है तो किसी भी गाड़ी के राइट साइड से आपको ओवरटेक करनी है, आप लेफ्ट साइड से ओवरटेक नहीं कर सकते। और अगर मैं अचानक लेफ्ट टर्न कर देता
जो कि बाय रूल मैं कर सकता हूँ इंडिकेटर दे करके, तो सोचिए वो कहाँ जा करके रोड के उस तरफ नजर आते। मैं एक आपको बहुत अच्छी चीज दिखा रहा हूँ, आज खुश तो बहुत होगे तुम, हाय BMW से आगे निकल गए। मैं चूंकि मेरे मीटिंग के लिए भी लेट हो जाऊंगा, सो मैं इस टेस्ट को 100 किलोमीटर तक का रखता हूँ। 100 किलोमीटर में ये क्या फ्यूल कंजम्पशन बताती है 80 के स्पीड में इको मोड पे, वो हम टेस्ट कर लेंगे, देन उसके बाद फिर मैं इस ब्लॉग को खत्म कर दूंगा। गाड़ी धीरे चला दो और बहुत सारी चीजें दिखने लगती हैं आपको, क्योंकि जब आप स्पीड पे होते हैं तो एक नजर सीधी जो है आपकी सड़क पर होती है, और ये हमेशा की तरह ब्रिज से लड़खड़ाते हुए, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या नेशनल हाईवे की, नितिन गडकरी जी ध्यान दिया करें, सड़कें तो अच्छी बना रहे हो आप लोग, पर थोड़ा सा जब ब्रिज से रोड पे आना हो या रोड से ब्रिज पे जाना हो तो जो उछालते हो आप लोग, वाह 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 वाह, मजा ही आ जाता है। मतलब बिना पैसे दिए आपको झूलने का अगर शौक है तो नेशनल हाईवे पे गाड़ी दबा के चलाइए। तो बूंदाबांदी शुरुआत हो गई है। मेरे गाड़ी में आपको अलग से वाइपर को बटन को दबाने की जरूरत नहीं है, जैसे मेरी गाड़ी को लगेगा कि हाँ आप ग्लास पे पानी थोड़ा ज्यादा आ गया है, ऑटोमेटिक वाइपर स्टार्ट हो जाएंगे, ऑटोमेटिक हेडलाइट स्टार्ट हो जाते हैं, बस ऑटोमेटिक ब्रेकिंग नहीं है इस पे, जो कि अब गाड़ियों पे आने लगे हैं। कोई भी चीज आपकी कार के सामने आती है तो ऑटोमेटिक ब्रेकिंग कर देते हैं, हाँ लेकिन उसके लिए स्पीड लिमिट है 50 के आसपास आपकी गाड़ी की स्पीड होनी चाहिए, तब वो ब्रेकिंग जो है काम करता है। गूगल के अकॉर्डिंग BMW X1 जो है वो 15-20 का एवरेज देती है। जिस हिसाब से गाड़ी ड्राइव कर रहा हो, 80 की स्पीड, इको मोड और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे अगर डिपेंड करता हूँ, तो अभी मैं जो ARI सर्टिफिकेशन है उससे भी ज्यादा एवरेज जो है अभी जनरेट कर रहा हूँ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के हिसाब से। 22.3 हो गया तो 100 किलोमीटर में और बढ़ जाएगा। बस ये है, दो तीन आदमी होते तो बात करते करते चले जाते। मैं टोन क्यों बदल दिया यार, मैं तो ऐसे बात नहीं करता। और ये देखिए प्लॉटिंग हो रही है, प्लॉटिंग, खेती की जमीन बेच दो, डाइवर्टेड प्लॉट बेच दो, अवैध प्लॉटिंग कर दो, बर्बाद हो रहा है छत्तीसगढ़। ऑलवेज बाय जेन्युइन प्लॉट्स, TNC अप्रूव्ड, रेरा रजिस्टर्ड। अब एवरेज टेस्ट में ये कहां से आ गया, टॉपिक चेंज करते हैं। ओहो, वन मोर थिंग, रेंज 900 किलोमीटर, यानी इको मोड पे चलाते जा रहा हूँ तो ये रेंज भी बढ़ते जा रहा है। 780 दिखा रहा था जब मैंने फ्यूल टैंक फुल कराया था, 76 किलोमीटर चलने के बाद मुझे 900 का रेंज बता रहा है, यानी अभी जितना डीजल मेरी गाड़ी में है 900 किलोमीटर गाड़ी चल जाएगी, ऐसा इसका बोलना है। भाई तू सही बोल रहा है, हेलो हेलो BMW। वाइपर भैया अभी चले थे एक बार, थोड़ी बूंदाबांदी हुई थी, पानी जमा था, क्लीन कर दिया इसने। बिलासपुर रूट पर दो चीजें खलती हैं, एक तो ये है कि ये बनने के बाद भी दोबारा तोड़ तोड़ कर इसको फिर से कुछ ना कुछ बनाया जा रहा है, दूसरी चीज खलती है ये, तो ये जानवर आपको सड़कों पर मिल जाएंगे। जहां जहां पर गांव है वहां पर या तो ब्रिज बनाया गया है या तो बैरिकेडिंग की गई है, बहुत सारे जानवर जो आवारा पशु हम बोलते हैं सड़कों पर घूमते रहते हैं। ये जो डिवाइडर बनाया गया है, डिवाइडर में भी प्लांटेशन किया गया है, हालांकि इस पे ऐसे पौधे लगाए जाते हैं जानवर खाते नहीं है, क्योंकि मुझे प्लांटेशन का आइडिया है, तो हम बहुत सारे ऐसे पौधे लगाते हैं जिसको गाय खाना पसंद नहीं करती, लेकिन अगर उनको कुछ भी ना मिल रहा हो, जो मिट्टी रहती है उसपे थोड़ा बहुत घास उग ही आता है जिसको वो खाते हैं, इसकी वजह से जानवर जो है वो बीच रोड पर आ जाते हैं, डिवाइडर पे चले जाते हैं और एक्सीडेंट होता है। इस तरीके से बैरिकेडिंग की गई है गांव के पास में, बट ये बैरिकेडिंग बहुत लंबा नहीं होता है तो जानवर सड़कों पर आ जाते हैं। जब नाइट में आप ड्राइव कर रहे होते हो तो जो अदर साइड का हाई बीम जो लाइट है वो इस तरफ के ड्राइवर की आंखों तक पहुंचता ही नहीं है, क्योंकि उसको ये जो झाड़ियां होती है वो रोक देती है। उसके लिए इस तरह का चौड़ा डिवाइडर बनाया जाता है और उसपे प्लांटेशन लगाया जाता है।
बारिश थोड़ी सी बढ़ी है तो मेरा कार का जो वाइपर है वो चालू हो गया है। ये बारिश के हिसाब से अपने स्पीड खुद सेट करता है, केवल ऑन नहीं होता। जितनी तेजी से ग्लास पर पानी पड़ेगा उतनी तेजी से वाइपर चलता है। ये ऑटोमेटिक बारिश के हिसाब से अपनी स्पीड को कम ज्यादा करते रहता है। ऑटोमेटिक फीचर्स के यही सब फायदे होते हैं। ये देखिए, इसने स्पीड और कम कर लिया क्योंकि यहाँ पर बहुत कम बारिश है। मैंने कुछ किया नहीं है, ऑटोमेटिक सेंसर्स के थ्रू होता है, जो कि यहाँ पर इसका सेंसर लगा होता है। इस सर गांव जाने का रोड है, ये भी बाईपास हो गया है। दरसीवा हो, सिमगा हो, ये सब में आउटर बाईपास बन गए हैं। मौसम बहुत अच्छा है, हल्की बारिश हो रही है और गुलमोहर पत्ते पूरे झड़ गए हैं, केवल फूल उसमें दिख रहे हैं। बहुत खूबसूरत लग रहा है। टबोबिया रोजिया खिला हुआ है मेरे साइड पर, बहुत प्यारा लग रहा है। इस पर थोड़िया भी खिला हुआ है, वो भी बहुत खूबसूरत दिख रहा है। अरण्य सिटी ऑफ वुडलैंड में आपको कम से कम 18 से 20 प्रकार के पेड़ मिलेंगे। सभी पेड़ जो है फूल वाले पेड़ है। ये देखिए, ये जानवर ये आया और ये देखिए, ये बस यही ये दिक्कत होती है जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स होते हैं। और गवर्नमेंट पूरे हाईवे को कवर नहीं कर सकती, गाँव के पास ही कवर करती है। अब लोगों की भी जिम्मेदारी है कि अपने जो पशु हैं उनको संभाल कर रखें। मुझे ऐसा लगता है 50-60% एक्सीडेंट्स जो मैंने देखे हैं कहीं ना कहीं जो आवारा पशु जिसको हम बोलते हैं उनकी वजह से होता है। ये वो प्लांट्स हैं, ऐसे इसी तरीके से लगे होते हैं। मुझे उस तरफ की कार या गाड़ी जो भी है वो नजर नहीं आ रही है, तो रात में उस तरफ की गाड़ियों की लाइट भी मुझे जो है मुझ तक नहीं पहुंचेगा। दोस्तों, मैंने 95 किलोमीटर कवर कर लिया है। 5 किलोमीटर मेरे पेशेंस के और बचे हैं। इससे ज्यादा पेशेंस मेरे में नहीं है, इतना धीरे गाड़ी नहीं चला पाऊंगा। 23.1 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज दिखा रहा है। तो अगर ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर सही है तो ARAI को भी मैंने मात दे दिया। BMW को मुझे बकायदा फोन करके थैंक यू बोलना चाहिए, प्राइस देना चाहिए। आप तो गजब कर दिए। अब 100 किलोमीटर कम्प्लीट करते हैं, मैं गाड़ी को रोकता हूँ। और ये रोलर कोस्टर एक और बहुत बढ़िया गाड़ी के सॉकअप की कराने के लिए। टोल गेट 1 किलोमीटर, तो टोल गेट के बाद रुक जाते हैं, बताएंगे आपको फाइनल एवरेज मेरी गाड़ी का। धमाकेदार, अकेले पागलों के जैसे। ओके, ये वही जगह है पिछली बार जहां हमको पता चला था हमारी गड्डी जो है खराब हो गई। फास्टैग अभी तक नहीं कराया है। तो ये देखिए, टोल क्रॉस करने के बाद ना पहले नहीं मिलेंगे, के पास में जाइए और आप फास्टैग करा लीजिए। 99 किलोमीटर हो गए हैं, शानदार सेंचुरी होने के लिए मुझे 100 मीटर और तय करना है। और ये एम्बुलेंस को कभी भी कहीं पर भी आप देखते हैं बकायदा साइड दीजिए। यस, मैं यहाँ पे गाड़ी को अब रोक रहा हूँ। शानदार ये एवरेज टेस्ट हमारा कंप्लीट होता है। और 9:57 हम घर से निकले थे, 1:44 हमने जर्नी किया, 100 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, यानी 1 लीटर में मेरी गाड़ी 22.9 का एवरेज दे रही है और 60.4 किलोमीटर पर आर। चूंकि ये हाईवे था, ना मैंने ब्रेकिंग किया ना मैंने हार्श एक्सेलरेशन किया, मेरी लिमिट जो है गाड़ी की वो 80% सेट है। तो दोस्तों, ये है हमारा आज का एवरेज टेस्ट। BMW कमऑन, मुझे अप्रिशिएट करिए। निकलता हूँ बाहर, मौसम बहुत खूबसूरत है। टोल से थोड़ा सा आगे मैं रुका हुआ हूँ। मेरा ये एवरेज टेस्ट खत्म होता है, मैंने रिकॉर्ड बना दिया। सो, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को करिए लाइक, बहुत लाइक करिए क्योंकि ये तो बनता ही है। BMW ने दिया गजब का एवरेज। मिलते हैं अगले वीडियो में, इसी वीडियो के कंटिन्यूटी में जर्नी को कंटिन्यू करते हुए। तब तक के लिए टेक केयर।